हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, अब हम एक पाइथन डीजेंगो का एक नया प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं उसका नाम है डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जो लास्ट प्रोजेक्ट हम कर रहे थे और कुछ वीडियोस और बचे हैं वो था मूवर्स एंड पैकर्स मैनेजमेंट सिस्टम। एंड इससे पहले हमने किया था डीजेंगो का एक और प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल, हमने देखा था वो था एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर ये वाले ट्यूटोरियल आपने नहीं देखे हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के, तो इनको आप देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे कंसेप्ट यही वाले रहेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ जो सेम कंसेप्ट हों वो हम ओल्ड वाले प्रोजेक्ट से कॉपी करके इस वाले प्रोजेक्ट में यूज़ करें। ठीक है, तो आपने अगर मेरा चैनल पे इन दोनों सीरीज़ को नहीं देखा है, मूवर्स पैकर्स प्रोजेक्ट को एंड एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को, तो इसको आप ज़रूर देख लें। एंड उससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल्स मैंने डाले थे, जैसे कि जॉब पोर्टल, जिम मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि मैंने क्या सोचा है, माइंड में क्या रहेगा इस प्रोजेक्ट में। तो हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो अभी मैंने इसका एक पेज डिज़ाइन कर लिया है, फ्रंट पेज। मैं आपको आज डिज़ाइन दिखाऊंगा एंड उस डिज़ाइन को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे उस डिज़ाइन को बनाना है वो बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ आवर प्रोजेक्ट। एंड इसमें डिज़ाइनिंग के लिए हम HTML CSS यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे काफ़ी ज़्यादा, एंड जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम प्रोजेक्ट को जो है मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। जितना मैंने अभी बनाया है, एक पेज मैंने डिज़ाइन कर लिया है, तो काफ़ी टाइम लगा था डिज़ाइनिंग करने में, क्योंकि एक ही पेज में हमने पूरा जो फ्रंट पेज है उसमें अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें एक ही पेज में दे दी हैं। तो मैं पाईचार्म को ओपन कर लेता हूं। एंड आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट फोल्डर कैसे बनाना है एंड उसके अंदर एप कैसे बनाना है, इतना आपको पता होगा। नहीं पता होगा, ऐसा तब हो सकता है कि आपको ना पता हो, अगर आपने मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट के वीडियोस को नहीं देखा हो तो फिर आपको हो सकता है नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं एंड आप मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप देख चुके हैं, तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि कैसे हम प्रोजेक्ट फोल्डर बनाते हैं, कौन सी कमांड यूज़ करते हैं एंड कैसे हम उसके अंदर एप क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो एक पेज बना लिया है वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा फोल्डर है डोनेशन, सर्च कर लेते हैं हम। ओके, डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया आपको, अगर मैं यहाँ दिखा दूँ टेम्पलेट्स के अंदर केवल एक इंडेक्स पेज और एक नेविगेशन पेज बनाया है एंड स्टैटिक के अंदर एक हमने CSS पेज बना लिया है। ठीक है, JS के अंदर कुछ नहीं है, कुछ JS मैंने लगाया है वो इंडेक्स के अंदर ही रख दिया है, तो उसको हम चाहें तो इसके अंदर प्लेस कर देंगे JS फोल्डर के अंदर। एंड कुछ इमेजेस हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो पाईचार्म में ओपन कर लेते हैं इसको। तो फाइल में जाना है, ओपन में जाना है। इस तरीके से आप प्रोजेक्ट ओपन करते हो, अगर किसी को नहीं पता होगा, जो अगर मुझसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बाय करता है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे कुछ फ्री प्रोजेक्ट्स भी मैंने दिए हुए हैं। व्हीकल पार्किंग का आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी डाउनलोड करके आप इस तरीके से रन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है लोकेशन की आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो कहाँ पे है। तो आप ओपन में जाएंगे एंड जिस भी लोकेशन पे है, तो जैसे मेरे पास मेरे सिस्टम में सी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, उसके अंदर मैं सारे प्रोजेक्ट को रखता हूँ। तो आपने जहाँ भी रखा होगा उस लोकेशन पे आप जाएंगे। तो मैंने रखा है सी ड्राइव के अंदर, माय ड्राइव फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये आप देखो मेरे पास सी ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया है माई ड्राइव नाम का, एंड इसके अंदर मेरा फोल्डर है डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है, जिसके अंदर हमारी मैनेज डॉट पी वाई फाइल होती है, वो हमारा क्या है, प्रोजेक्ट फोल्डर है। इसको मैंने सेलेक्ट करके ओपन कर दिया, दिस विंडो पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। प्रोजेक्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। उसके अंदर ये एप मैंने बनाया है डोनेशन नाम का, स्टैटिक फोल्डर मैंने खुद से बनाया है इस एप के अंदर, राइट क्लिक करके स्टैटिक फोल्डर बनाया एंड टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया। स्टैटिक के अंदर भी कुछ फोल्डर्स बनाए, तो चलिए पहले इसको रन करते हैं, फिर हम कोड वोड डिस्कस करेंगे एंड क्या बनाने वाले हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं आप ही के साथ बनाने वाला हूँ। अभी जस्ट मैंने इसका कंसेप्ट सोचा है कि क्या क्या हम इसमें रखने वाले हैं एंड कुछ चीज़ हम हो सकता है नया, अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद कुछ हम नया ऐड करें या कुछ जो कंसेप्ट है वो ड्रॉप भी करना पड़ सकता है। ठीक है, एक ओवरव्यू मैंने अपने माइंड में सोच के रखा है एंड पेपर पेंसिल पे उसको लिख के रखा है। ओके, सो दिस इज़ दी डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ऊपर आप देख रहे हैं नेविगेशन बार। एक बार मैं इसको हार्ड रिफ्रेश कर देता हूँ, कंट्रोल फंक्शन F5। यहाँ पे मैंने एक फेविकॉन भी दिया हुआ है जो कि इस वाले ब्राउज़र में नहीं डिस्प्ले हो रहा है, आप क्रोम या मोजिला वगैरह में चला के देखेंगे तो एक फेविकॉन भी आपको ऊपर जहाँ पे हमारा टाइटल टेक्स्ट है उसके साइड में फेविकॉन का आइकॉन भी दिखेगा। ओके, तो नेविगेशन में आप देख रहे हैं एक आइकॉन है, उसके बाद डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम लिखा है, मैंने तीन अलग अलग कलर यूज़ किए हैं एंड उसके बाद कुछ लिंक्स हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और यहाँ पे इंट्रा लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो ये कॉन्टैक्ट पे हमें रिडायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, मतलब उसी पेज पे लिंक्स दिए हुए हैं तो उसको इंट्रा लिंक्स बोलते हैं। अबाउट अस यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा दिया अबाउट वाले सेक्शन में। ठीक है, डोनेट इसका भी आई थिंक मैंने लिंक नहीं दिया होगा, ये हमें यहाँ पे लिंक रिडायरेक्ट करवा देगा ताकि हम डोनेट नाउ पे जाएं और हम अगर नए यूज़र हैं तो हमें लॉगिन करने का मैसेज आएगा, साइन अप करने का मैसेज आएगा। तो साइन अप करके आप लॉगिन करके फिर आप बता सकते हो कि क्या आपको डोनेट करना है, आप फुटवेयर डोनेट करना चाहते हो, बुक्स डोनेट करना चाहते हो, टॉयस डोनेट करना चाहते हो या कुछ और डोनेट करना चाहते हो। ठीक है, सो दिस वेबसाइट इज़ फॉर डोनेशन। ठीक है, जो भी नीडी पर्सन है, यहाँ पे थोड़ा थियोरेटिकल भी आप देख सकते हो मैंने लिखा है, रेड्यूस वेस्टेज ऑफ नीडी आइटम्स, जो भी ज़रूरतमंद सामान है जिस, ठीक है, उनको हम वेस्ट ना करें। ठीक है, कई सारे लोग फूड अगर बच जाता है तो उसको वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो हो सकता है किसी को उसकी ज़रूरत हो तो आप उसको डोनेट कर सकते हो। इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हो एंड जो भी हमारा वॉलंटियर रहेगा वो उसको पिकअप कर लेगा जो आप लोकेशन बताओगे वहाँ से, एंड उसको वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचाने की हेल्प करेगा। ये आप देख रहे हैं थियोरेटिकल कंटेंट मैंने लिखा हुआ है। दिस सिस्टम इज़ प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डोनर वेयर दे कैन डोनेट थिंग्स लाइक फूड, क्लॉथ, बुक्स, फुटवेयर, वेसल, टॉय एक्सेट्रा। वी कलेक्ट ऑल डोनेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूट टू पुअर पीपल्स। ठीक है, तो ये हम एक माध्यम प्रोवाइड करना चाहते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू, कि जो भी डोनर रहेगा वो थिंग्स को डोनेट कर सकता है, जो भी उसको डोनेट करना है, फूड, क्लोथ, फर्नीचर, बुक्स वगैरह। एंड हम इसमें एक वॉलंटियर का लॉगिन भी देंगे। ठीक है, बताऊंगा उसमें क्या क्या फील्ड वगैरह हम रखेंगे। तो एक वॉलंटियर, एक डोनर एंड एक एडमिन, तीन तरीके के यूज़र मैंने सोच के रखा है। ठीक है, तो जो वॉलंटियर रहेगा वो उसको कलेक्ट करेगा डोनेशन को एंड रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा प्यूपल्स को। कहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है वो एडमिन वॉलंटियर को गाइड करेगा कि आपको इस लोकेशन पे इस डोनेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे कोट्स मैंने लिख दिए हैं, हेल्प अदर्स विथाउट एनी रीज़न एंड गिव विथाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, तो जो भी आपको कोट्स वगैरह लिखने हो और भी लिख सकते हैं। गैलरी वाला सेक्शन भी मैंने सोचा है कि जिसमें इमेजेस रहेंगी। ठीक है, एंड ये डेटाबेस से आएगा डेटा। तो यहाँ पे देखो मैंने ग्रिड का यूज़ किया, बूटस्ट्रैप का ग्रिड का यूज़ किया, सिक्स का ये कॉलम है, सिक्स के कॉलम में इमेज दी हुई है, नीचे कुछ बटन्स हैं डोनेट नाउ का, रीड मोर का एंड उसके बाद फिर सिक्स और सिक्स का कंसेप्ट यूज़ किया है। यहाँ पे एक इमेज यूज़ कर ली, अबाउट का कुछ कंटेंट मैंने लिख दिया एंड यहाँ पे मैंने कैरोजल का यूज़ कर लिया है।
ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट कार्ड का यूज़ किया, बूटस्ट्रैप का कार्ड जो होता है, कार्ड क्लास यूज़ करते हैं। तो ये कार्ड इमेज, कार्ड टाइटल, कार्ड डिस्क्रिप्शन हो गया। इसमें हमने ये सब दिया है, हम क्या क्या सर्विसेज, स्पेशल सर्विस क्या हैं। ठीक है, जनरली ये चीज़ें ज़्यादा डोनेट की जाती हैं जिन ज़रूरतमंदों को, क्लोथ डोनेशन, फुटवेयर डोनेशन, वेसल डोनेशन, टॉयज डोनेशन, फूड डोनेशन, फर्नीचर डोनेशन। ठीक है, एंड सब के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे थ्योरेटिकल कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम दो लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, एक रहेगा डोनेट नाउ मतलब डोनर के लिए, एंड एक रहेगा बिकम वॉलंटियर। ठीक है, तो इस पे जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक हम साइन अप पेज ओपन कर देंगे या लॉगिन पेज ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दे देंगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, एंड नहीं किया है तो पहले रजिस्टर देन लॉगिन। फिर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में जो भी आपको अपना ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी इस वेबसाइट का देना चाहते हैं वो सब देंगे। एंड नीचे एक फुटर है, फुटर में फॉलोअर्स में हमने कुछ आइकॉन्स दे दिए, फेसबुक वगैरह का जो लिंक वगैरह है, एंड कॉपीराइट का ईयर दिखा दिया। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा और कंसेप्ट में आपको, वैसे तो मैंने आपको सब समझा ही दिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हमारा मॉडल बन जाएगा डोनेशन का। ठीक है, डोनेशन का मॉडल रहेगा, तो इसमें हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, जो भी यूज़र जो भी डोनर होगा उसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका नेम, ठीक है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब हम एक सेपरेट टेबल के अंदर ले लेंगे। ठीक है, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह एक सेपरेट टेबल के अंदर ले लेंगे, एंड यहाँ पे उसको एज अ फॉरेन की बना लेंगे डोनेशन वाले टेबल में। ठीक है, एंड फिर उसके बाद डोनेशन का नाम, डोनेशन नेम। ठीक है, डोनेशन के नेम में क्या आ जाएगा, जैसे कि डोनेशन किस टाइप का है, फूड है या क्लोथ है, एक ड्रॉप डाउन हम बना देंगे। फूड डोनेशन करना चाहते हो या क्लोथ डोनेशन करना चाहते हो या फिर आप फुटवेयर डोनेट करना चाहते हो, तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो तो हम लिख देंगे, और एक अदर का ऑप्शन दे देंगे कि कुछ और आप मनी वगैरह जो भी आप डोनेट करना चाहते हो तो वो कर देंगे। एंड एक हम पिक ले लेंगे, ठीक है, जो भी आप डोनेट करना चाहते हो, मल्टीपल पिक भी ले सकते हो आप। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक पिक लेके दिखा दूंगा कि यूज़र एक पिक अपलोड करेगा जो भी उसको डोनेट करना है। एंड उसके बाद कलेक्शन लोकेशन, ठीक है, मतलब जो डोनेशन हमें मिलेगा वो किस लोकेशन पे मिलेगा। तो हमारे पास अलग अलग वॉलंटियर रहेंगे, उनको हम असाइन कर देंगे कि ये आपको यहाँ से पिक करना है इस लोकेशन से। ठीक है, एंड उसके बाद एक कलेक्शन लोकेशन हो गया, फिर उसके बाद स्पेशल नोट, नोट या फिर जिसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर चाहे तो जो डोनेटर है, जो डोनेट करना चाहता है, वो एक स्पेशल नोट वगैरह दे सकता है, जैसे वो फूड डोनेट कर रहा है तो वो बता सकता है कि फूड कितने टाइम पुराना है, 4 आवर्स का है, 6 आवर्स पुराना है, वेज है, नॉन वेज है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में रहेगी। ठीक है, देन आफ्टर डोनेशन डेट हो जाएगा, वो तो हम खुद से प्रोवाइड करेंगे, जब भी यूज़र फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा तो अपने आप डेट आ जाएगी। ठीक है, ऑटो जनरेट कर देंगे, एंड डोनेशन का एक स्टेटस बना लेंगे कि, ठीक है, स्टेटस में क्या रहेगा, शुरू में तो स्टेटस पेंडिंग रहेगा। ठीक है, मतलब जो फॉर्म फिल करके हमें रिक्वेस्ट आई है डोनेशन के लिए, तो वो, ठीक है, तो वो क्या रहेगा कि शुरू में पेंडिंग रहेगा, फिर एडमिन उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अगर एक्सेप्ट कर लेता है मतलब हमें डोनेशन को कलेक्ट करना है। ठीक है, एंड डोनेशन कलेक्ट करना है तो एडमिन क्या करेगा, असाइन करेगा किसी वॉलंटियर को कि कहाँ से पिक करना है। ठीक है, देन आफ्टर वॉलंटियर उसमें एक स्टेटस डालेगा कि वो रिसीव हो गया है, मतलब जो भी डोनेशन था वो रिसीव हुआ है सक्सेसफुली या नहीं हुआ है। अगर हो जाता है तो फिर हमें उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। एक तो हम ये वाला मॉडल को मेंटेन कर लेंगे, डोनेशन वाले मॉडल को। एंड उसके बाद एक हो गया हमारा डोनेटर मॉडल, मैनेज डोनेटर। ठीक
ठीक है, मतलब डोनेटर मतलब यूज़र जो डोनेट करना चाहता है तो उसको मैनेज करेंगे, तो उसका एक जनरल इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब, ठीक है, नेम, कॉन्टैक्ट, बहुत ज़्यादा फील्ड भी नहीं रहेंगी क्योंकि ज़्यादा फील्ड बनाएंगे तो कोई साइनअप करना नहीं चाहेगा, तो नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, एक पिक ले लेंगे, ठीक है, एंड एड्रेस ले लेंगे, ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हम ले लेंगे। एंड उसके बाद एक मैनेज वॉलंटियर हो जाएगा, मैंने वॉलंटियर में थोड़ी ज़्यादा फील्ड हम ले लेंगे, ठीक है, उसका आईडी कार्ड वगैरह का नंबर वगैरह या इमेज वगैरह अपलोड करवा देंगे, जो भी उसका आईडी, आधार एंड लाइसेंस वगैरह, कोई भी एक आईडी अपलोड करने के लिए भी हम बोल देंगे ताकि हम उसको वेरीफाई कर पाएँ। तो इसमें एक स्टेटस वाला सिस्टम मैं रख दूंगा कि जब एडमिन उसको एक्सेप्ट करेगा तो ही वो लॉगिन कर पाए, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड पिक ले लेंगे, एड्रेस ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक उससे आईडी प्रूफ का इमेज ले लेंगे, आईडी प्रूफ इमेज या पिक, ठीक है। एंड उसके बाद स्टेटस हो जाएगा, ठीक है, स्टेटस शुरू में पेंडिंग रहेगा एंड एडमिन उसको अपडेट करेगा आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड अबाउट मी वगैरह ले सकते हैं कि वॉलंटियर ऐसा क्यों करना चाहता है, क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहता है या किस संस्था वगैरह से वो बिलोंग करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन अबाउट मी में वो डाल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने सोची हैं। एंड बाकी कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए तो अलग से हम मॉडल नहीं बनाएंगे, या फिर एक फॉर्म बना सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक कॉन्टैक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखी रखी है अपनी। एंड अगर हम चाहते हैं कि यूज़र कुछ क्वेरी वगैरह भी सेंड कर पाए तो उसके लिए एक कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म बना सकते हैं, वो आपने जैसा मेरे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में देखा होगा वैसा हम बना देंगे, ठीक है, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, फीडबैक या फीडबैक बना देंगे एक, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने सोचा है। तो फ्रेंड्स, अगर कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसका ट्यूटोरियल भी बहुत जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये डिज़ाइन बताने वाला हूँ कि जो इतना मैंने डिज़ाइन किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स पेज बना चुके हैं हम, केवल 2 ही पेज अभी मैंने बनाए हैं, ठीक है, नेविगेशन बार एंड इंडेक्स पेज। तो नेविगेशन बार में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस कोड का क्या मतलब है, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा फास्ट इसको लूँगा, ठीक है। उसके बाद जो बैकएंड का कोड करेंगे वो तो हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, लेकिन ये जो डिज़ाइनिंग है उसको थोड़ा हम फास्ट वे में लेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका इतना डिज़ाइन ये मैंने कैसे बनाया है, कैसे मैंने ये कैरोजल बनाया, कैसे मैंने ये सब नीचे फुटर वगैरह का कैसे क्या कोड किया है, वो सब हम देखने वाले हैं। स्क्रॉल बार भी दिया है यहाँ पे, आप देखो ये स्क्रॉल का बटन भी दिया है जो कि ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता है। तो ये सब कैसे हमने किया है डिज़ाइन, काफ़ी कुछ आप जानते ही होंगे पहले वाले प्रोजेक्ट्स अगर आपने किए हुए हैं, तो फिर भी एक जनरल आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आपको ये डिज़ाइन करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।